5 से 10 जून तक चलने वाले प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पर प्रदेश स्तरीय 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में किया। इस मौके पर कृषि मंत्री रामलाल मारकिंडा भी मौजूद रहे। शिविर में प्रदेश के 6 जिलों से 850 से अधिक किसान तथा कृषि बागवानी व आत्मा परियोजना से 200 से ज्यादा अधिकारी भाग ले रहे हैं। 10 जून तक चलने वाले प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पर प्रदेश स्तरीय 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में किया। इस मौके पर कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा भी मौजूद रहे। शिविर में प्रदेश के 6 जिलों से 850 से ज्यादा किसान व कृषक बागवानी एवं आत्मा परियोजना के 200 से अधिक अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर जीरो बजट नेचुरल खेती के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर राजेश्वर चंदेल भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि कृषि पिछले साल कैंपों के बाद जीरो बजट नेचुरल खेती पर बड़े स्तर पर काम शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि 500 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा था, जबकि 2663 किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती पर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में 18 छात्रों ने PhD की है, वो 13 छात्रों ने इस पर MSc की है। बहुत खुश होने की जरूरत, हम खुशी तब मनाएंगे जब 9,66,000 के अंदर करते हैं, जब बाएं दाम में बैठे व्यक्ति तक हम को जो है प्राकृतिक खेती, तभी हम मानेंगे कि हम होने का शपथ। सोच है कि हिमाचल प्रदेश जो है खेती खुशहाल के साथ 2000 बनने की बात की है, अजय समझ होगा तभी हम खुशी मनाएंगे। राज्यपाल मोदी जिनके वही राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपने संबोधन में कहा कि आंकड़ों के अनुसार रसायनों के कारण 10,000 जीव जंतु की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और हम स्वयं ही मौत की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा है, कहीं ज्यादा ओलावृष्टि, कहीं बाढ़ और कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। राज्यपाल ने कहा कि कृषि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। 40% ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारी कृषि और कृषि से जुड़े हुए उपकरण जिम्मेवार हैं। इसने अपने विकास के नाम पर पक्षी इसने मार दिए, पशु इसने मार दिए, जीव जंतु इसने मार दिए। पिछले दिनों आंकड़े हैं 10,000 पशु पक्षी जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं और वो प्रजातियां धरती के संतुलन को बनाकर पर्यावरण को बचाने का काम करती है। ईश्वरीय व्यवस्था है और हमारी समझदारी ने इन सारे प्राणियों को मौत के घाट उतार दिया। हाया ना भाई, बताओ, परमात्मा ने इतनी सुंदर प्रकृति दी थी, इतने बढ़िया पहाड़ बना करके दिए, नदियां दी, तालाब दिए, झरने दिए, लेकिन वो सब हमने प्रदूषित बना दिए। इस प्रकृति का सहयोग करना चाहिए था हमें और हमने इसका नाजायज दोहन करके स्वयं अब मौत की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब ये परिणाम आने शुरू हो गए। अभी पालेकर जी ने अपने वक्तव्य में बताया जलवायु परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा है, कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आकर के लोग डूब के मर रहे हैं, कहीं अनावृष्टि से पानी मिल नहीं रहा पीने का, उसके कारण मर रहे हैं। आज इतनी बीमारियां, तरह तरह के रोग आ रहे हैं, ये सब परमात्मा ने नहीं किया, ये काम उसका नहीं है। भगवान तो सबका पिता है, माता, वो कभी अपनी संतानों को बुरा नहीं चाहता। जब संतान ही बिगड़ जाए तो भगवान का क्या दोष है उसमें, गड़बड़ सब हमने की है। आजकल जो सबसे बड़ी चुनौती भाई और बहनों हमारे सामने है वो कृषि है। अभी पालेकर जी ने बताया लगभग 40% ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारी कृषि और कृषि से जुड़े हुए सब उपकरण जिम्मेदार हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, कई बार मेरी चर्चा उनकी इसी विषय के साथ उनसे हुई है और उनकी हार्दिक इच्छा है कि भारत को हम जहर मुक्त कैसे करें। इतना बड़ा अपराध हो रहा है, 80,000 करोड़, ध्यान करो मेरी बात की,
80,000 करोड़ रुपए की केवल यूरिया पे सब्सिडी एक साल में भारत सरकार देती है। 80,000 करोड़ रुपया लोगों में वैसे बांट दें तो गरीबी दूर हो जाए, क्यों साहब? और हम 80,000 करोड़ रुपए का जहर खरीद के लोगों को अस्पताल में भेज रहे हैं, कहां जा रहे हैं? अभी बीच में तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बाद में बातचीत कर लेंगे, बाद में बैठ जाओ। हाँ बिल्कुल ठीक, जिसकी ढूंढ जाती है ना उसको पूछोगी क्या होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा।